हेलो दोस्तों, की हाल चाल तुटे सारे का एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करेंगे एलपीयू नेस्ट की लास्ट डेट की। तो आप सब में बहुत सारे बच्चों के जो ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के जो ट्वेल्थ का रिजल्ट आ भी चुका है, कुछ बच्चे हैं जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिसके बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करना चाहते हैं कि कब उनको जो है एग्जाम, मतलब कि किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेनी है। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि भैया एलपीयू नेस्ट की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, लास्ट डेट मतलब कब तक हम एडमिशन ले सकते हैं, एलपीयू नेस्ट हमको एग्जाम है जो कब तक देना है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल है जो इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप मिस नहीं करना चाहते, तो सबसे सही और सबसे जल्दी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के ऊपर ही देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि एलपीयू नेस्ट एग्जाम क्या है, ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन है जो कब तक चलने वाली है, एलपीयू नेस्ट की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एलपीयू नेस्ट के बेनिफिट्स आपको क्या क्या रहने वाले हैं, और उसके बाद आपको, ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ये है, ठीक है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो एलपीयू की, अगर आपको भी ऑफिशियल वेबसाइट देखनी है तो आप गूगल के ऊपर जाके एलपीयू.इन सर्च कर सकते हैं, एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे एलपीयू नेस्ट लिखा हुआ है, एलपीयू नेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम एक एंट्रेंस नेशनल लेवल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो कि आपको कंपलसरी एग्जाम रहता है एलपीयू में देने के लिए अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है। तो सिंपल भाषा में समझाऊं तो एलपीयू में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है जो देना कंपलसरी रहता है। एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम क्या है, एक एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। कुछ कोर्सेज में एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है कंपलसरी रहता है, जिसमें तो आपको देना ही देना पड़ेगा। कुछ कोर्सेज में ये मैंडेटरी नहीं रहता, बट उन कोर्सेज में भी आप एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है दे सकते हैं, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं जिसमें आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दिया जाता है? इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, पीएचडी, होटल मैनेजमेंट, लॉ, डिजाइन, ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी, एग्रीकल्चर, इन सभी कोर्सेज में जो आपको क्या करना पड़ता है, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है। तो आपको जिन भी कोर्सेज के ऊपर एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने, जैसे यहाँ पे मैं बीटेक और एमबीए का खोल लेता हूँ, मतलब कि यहाँ पे हम अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन दोनों की जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह वो देख लेते हैं कि कब कब आपकी लास्ट डेट है रजिस्टर करने के लिए, कब आपको एग्जाम देना है, क्या सारी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो बीटेक है, ये वाला हमारा बीटेक का पेज है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज है उसके लिए क्या डेट है, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का पेज है। जैसे आपके सामने खुलेगा तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसे है जो कैलेंडर खुल के आ जाएगा, जिसपे आपको सारी डिटेल्स है तो बता रखी है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो प्रीवियस शेड्यूल था ना, शेड्यूल वन ऑलरेडी ओवर हो चुका है, ये शेड्यूल टू चल रहा है। जो शेड्यूल टू है उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है। जो एग्जाम की बुकिंग है वो 6 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो गई थी, रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2024 से, स्लॉट बुकिंग है जो एग्जाम के लिए 6 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो गई थी। और जो लास्ट डेट रहने वाली है, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि लास्ट डेट क्या है हमारी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के लिए, वो है आपकी 20 अप्रैल 2024। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो 20 अप्रैल 2024 से पहले पहले है जो एलपीयू नेस्ट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लास्ट डेट आपकी 20 अप्रैल रहने वाली है। उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो आपका कब कब होने वाला है, बहुत बच्चों का डाउट आता है कि एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो कहाँ पे होने वाला है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, कितने टाइम का होगा, कैसे होगा, तो वो सारी डिटेल्स भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन में जाके क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो एलपीयू नेस्ट के बारे में आपको सारी डिटेल पता लग जाएगी कि आपको एलपीयू नेस्ट का जो क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहना है, क्या डिटेल रहने वाली है। तो आपको जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो 150 मिनट्स का एग्जाम है, मतलब आपको 2.5 घंटे का एग्जाम मिलेगा। एलपीयू नेस्ट में आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाती है, होम बेस्ड एग्जाम की भी और सेंटर बेस्ड एग्जाम की भी। होम बेस्ड एग्जाम में आपको घर बैठे बैठे एग्जाम देना है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, जिसपे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होगा। कैमरे से एक टीचर है जो आपको बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आपका जो टेस्ट है वो आप दे रहे हो, सही से दे रहे हो, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। और अगर आप सेंटर बेस्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको कहीं एक सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां पे जाके उनके कंप्यूटर पे आपको बैठ के जो एग्जाम देना पड़ेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो घर बैठे बैठे होम बेस्ड वाला एग्जाम की ऑप्शन चूज करें। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा टोटल, ठीक है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स करेगा, टोटल एग्जाम आपका 400 मार्क्स करेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, सब्जेक्ट्स आपके 12th के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। 12th में आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि अगर आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश थे तो ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। अगर आपके पास मतलब बायोलॉजी था तो आपके पास बायोलॉजी आएगा। यहाँ नीचे भी मेंशन है कि आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है टेस्ट के लिए, या तो इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या आपके पास रहेगा इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो 12th में आपके पास जो भी सब्जेक्ट थे, चाहे वो आर्ट्स के, चाहे वो कॉमर्स के, चाहे वो मेडिकल, चाहे नॉन मेडिकल, जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे, उसके बेसिस के ऊपर है जो आपका एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है जो होने वाला है। टोटल आपका 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे आपकी नहीं रहने वाली, क्लियरली मेंशनड है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न वगैरह, तो जो आपका एग्जाम है, जैसे कि वो भी आप अपने अकॉर्डिंग, जिस भी डेट को आप एग्जाम देना चाहे अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा आपके पास इंटरवल रहेगा, 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, ठीक है। जो आपका एग्जाम की बुकिंग स्लॉट है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, 15 अप्रैल से 30
20 अप्रैल के बीच में कोई भी डेट आप चूज करके, चाहे वो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई भी अप्रैल की, ठीक है, मतलब 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कोई भी डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके अपने एग्जाम का जो शेड्यूल करा सकते हैं, ठीक है। अब एलपीएनएस की जो ऑफिशियल फीस है वो बॉयज के लिए 1000 है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो एलपीएनएस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है एलपीएनएस की फीस के ऊपर मिल जाता है, जिसके बाद आपकी ऑफिशियल फीस रह जाती है बॉयज के लिए 500, गर्ल्स के लिए रह जाती है 250 रुपीज। तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो रजिस्टर करते हैं। उसके बाद आपका जो एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है वो 4 मई को आ जाएगा। आप किसी भी डेट को जो अपना एग्जाम दे रहे हैं, आपका जो रिजल्ट है एलपीएनएस का वो 4 मई को आ जाएगा, और आपकी 4 मई के बाद है जो काउंसलिंग और सीट बुकिंग है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका है पूरा जो जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से पहले पहले जो लोग भी पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो इसकी भी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल को। बुकिंग एग्जाम बुकिंग की डेट है 6 अप्रैल के बाद में स्टार्ट होगी थी। 20 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 15 से 30 अप्रैल के बीच में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है, जिस दिन भी आप एग्जाम देंगे एग्जाम के, ठीक है, 24 घंटे बाद आपको जो अपना यहाँ पे वीडियो ऐसे अपलोड करना पड़ेगा जिसका टॉपिक आपको मेल के थ्रू या एलपीएनएस के पोर्टल पे शो कर दिया जाएगा। उसके बाद विद इन 24 घंटे आपको अपना जो वीडियो ऐसे शो करना पड़ेगा, मतलब सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो वीडियो ऐसे अगर क्लियर हो जाता है तो 3 दिन में आपको पता लग जाएगा कि आपकी वीडियो ऐसे क्लियर हुआ है या नहीं। वो क्लियर होगा तो आपका इंटरव्यू है जो शेड्यूल किया जाएगा 2 से 8 दिन के बीच में। वीडियो ऐसे के रिजल्ट के 2 से 8 दिन के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, और 72 मतलब कि 4 दिन के बाद आपको इंटरव्यू का रिजल्ट पता लग जाएगा। और अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 15 मई तक आपको जो आपका पूरा रिजल्ट पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे एमबीए में या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो लास्ट डेट है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए 20 अप्रैल ही रहने वाली है। तो पूरा प्रोसीजर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो लोग हैं जितनी जल्दी मतलब 20 अप्रैल से पहले जो रजिस्टर करेंगे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट भी हो जाएगा। उनको एलपीएनएस की फीस के ऊपर भी फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद बॉयज की फीस 500, गर्ल्स को सिर्फ 250 रुपीज पे करने हैं। और अगर आप उससे पहले रजिस्टर करते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो भी मैक्सिमम मिलती है। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, जैसे कि अभी एडमिशन का 2024 का करंट शेड्यूल चल रहा है, तो अगर आप अभी इस टाइम 20 अप्रैल से पहले पहले एलपीएनएस के एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको अभी मिल रही है जो 30% की स्कॉलरशिप मैक्सिमम, फिर 25 और फिर 20%। लेकिन अगर आप नेक्स्ट शेड्यूल में रजिस्टर करते हैं 20 अप्रैल के बाद में रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले तो वो श्योर नहीं है कि अगर सीट बचेंगी तभी ही है जो अगला शेड्यूल आएगा। अगर सीट फुल हो गई तो नेक्स्ट शेड्यूल है जो नहीं आने वाला 15 अप्रैल के बाद। अगर सीट बचेंगी नेक्स्ट शेड्यूल आएगा तो उसमें जो आपको स्कॉलरशिप है वो मैक्सिमम स्कॉलरशिप कम हो जाएगी। पहले आपको अभी 20 अप्रैल से पहले पहले एग्जाम देने पे आपको मिल रही है 30% स्कॉलरशिप, और अगर आप नेक्स्ट शेड्यूल में एग्जाम देते हैं तो आपको मिलती है सिर्फ 25% की स्कॉलरशिप, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया अभी कि 25% की आपकी मैक्सिमम स्कॉलरशिप है जो रह जाएगी। तो जो लोग भी देना चाहते हैं एलपीएनएस का एग्जाम वो 15 अप्रैल से पहले दे सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाए। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।